विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रूस और चीन के साथ होने वाले विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए चीन के वुजेन पहुंची, जहां उन्होंने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात के दौरान पुलवामा हमले का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में जैश ए मोहम्मद का हाथ है, जो कि पाकिस्तान की धरती से आतंकी गतिविधियों को संचालित कर रहा है। इस दौरान सुषमा स्वराज ने कहा कि ये ना तो सैन्य ऑपरेशन था और न ही इसमें पाकिस्तानी सेना के किसी ठिकाने को निशाना बनाया गया। इस हवाई हमले का मकसद पाकिस्तान की जमीन से चल रहे आतंकी संगठनों को खत्म करना था, जो भारत के खिलाफ अन्य हमले की तैयारी कर रहा था। रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक से अलग हुई मुलाकात के दौरान स्वराज ने कहा कि मैं ऐसे वक्त में चीन आई हूँ जब भारत में शोक और गुस्से का माहौल है। ये जम्मू कश्मीर में हमारे सुरक्षा बलों के खिलाफ सबसे भीषण हमला है। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की मांग के बाद भी पाकिस्तान ने गंभीर होने के बजाय हमले की जानकारी होने से इनकार कर दिया और जैश ए मोहम्मद के कबूलनामे को भी नहीं माना। स्वराज ने आतंकवाद का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुलवामा में भयानक आतंकी हमला ये याद दिलाता है कि सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी होगी। इस दौरान सुषमा स्वराज और उनकी चीनी समकक्ष की केमिस्ट्री देखने लायक थी। वांग यी हाथ पकड़कर सुषमा स्वराज को ले गए। रूस, भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की इस बैठक में हवाई हमले के अलावा पुलवामा आतंकवादी हमला, पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा वैश्विक आतंकवादी घोषित करने का मुद्दा मुख्य रूप से उठाने की बात कही गई। सुषमा स्वराज की चीन की यात्रा ऐसे समय पर रही जब मंगलवार की अलसुबह भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में स्थित आतंकवादी ठिकानों पर हमले किए थे। उन्होंने कहा कि भारत चीन का रिश्ता दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बीते साल हुई बैठक के बाद दोनों के आपसी रिश्ते में काफी सुधार हुआ है।